पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें मुख्य आरोपी सहित एक सह आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामले की जानकारी के मुताबिक परस गांव निवासी सतीश सूर्यवंशी एवं एक साथी सागर पैसा स्कूल छिंदवाड़ा का ध्रुव नारायण नागले ने अमरवाड़ा के आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों से लालच में आए चार बिचौली किसानों की मदद से आधे करोड़ से भी ज्यादा की गेहूं खरीदी की है, जिसमें शुरुआती समय में किसानों की गेहूं खरीदी का भुगतान भी किया गया, परंतु उसके बाद कई किसानों के पैसे रोक लिए गए। बदले में बंधन बैंक के चेक किसानों को थमा दिए गए। बार बार फोन लगाने के बावजूद अलग अलग स्थान बताने पर किसानों को सतीश सूर्यवंशी और ध्रुव नारायण नागले पर धोखाधड़ी जैसी बातें समझ में आई, जिसके बाद समस्त किसानों ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाने में बुलाकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद दोनों आरोपी सतीश सूर्यवंशी और ध्रुव नारायण नागले ने अपना कबूलनामा कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सतीश सूर्यवंशी सहित सह आरोपी ध्रुव नारायण नागले को 55,83,920 रुपए का षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी मामले में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। काफी लंबे समय से थाना अमरवाड़ा के काफी किसानों के द्वारा ये सूचना दी जा रही थी कि उनकी मक्का एवं गेहूँ की फसल जिन व्यापारियों के द्वारा खरीदी गई थी, उन्होंने कुछ पैसा दिया था लेकिन काफ़ी पैसा उनका रुका हुआ था। जब जांच की गई तो पाया गया एक सतीश सूर्यवंशी थे चांद थाना के अंतर्गत और एक ध्रुव नांगले, इन दोनों ने किसानों की फसलों को खरीदा था, गेहूं और मक्के की, और कुछ पैसा दिया था और कुछ पैसा नहीं दिया था। जब पूरी जाँच की गई तो पता चला कि लगभग 30 से 35 किसानों का लगभग 50 से 55 लाख रुपये जो है रुका हुआ था। इनके द्वारा पैसा वापसी के लिए कहा गया लेकिन इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया किसानों को। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध जो है 420, 406 और 120 के बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके दोनों को आज जेल भेज दिया गया है।